हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि आपने रिलेशन बनाया उसके कितने दिन बाद और कहां पर आपको दर्द होता है अगर कंसीव हो गया है, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो गर्भधारण के लिए सबसे पहले दर्द कितने दिन बाद और कहां पर होता है और क्या इसको सब पता लगा सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ये दो फैलोपियन ट्यूब्स और ये आपकी क्या होती है, यूट्रस होती है। यहाँ सर्विक्स से जब स्पर्म्स आते हैं तो वो या तो इस साइड चलेंगे या वो इस साइड चलेंगे, क्योंकि ओवुलेशन आपका या तो इस साइड होगा या आपका लेफ्ट या राइट होगा। तो हम क्या देखते हैं कि अगर जो आप सीधे लेटे तो स्पर्म्स पहले यहाँ पहुंचते हैं आपके बैक वाली साइड से, मतलब यूट्रस का जो बैक साइड है, और फिर जब उनको आगे चलने की जगह नहीं मिलती तो कोई इधर चला जाता है और कोई इधर चला जाता है। जहां पे अंडा होता है वो वहां पे क्या करते हैं, जाके अंडे से फ्यूज हो जाते हैं। अब अगर आपने टर्न ले लिया, राइट टर्न या लेफ्ट टर्न ले लिया, तो ये सारे के सारे स्पर्म्स जो हैं या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड चलते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने कंसीव करने के लिए रिलेशन बना रहे हो इंटेंशनली और आपको पता चल गया है कि आपका ओवुलेशन राइट साइड से या लेफ्ट साइड से हुआ है, तो आप केवल 4-5 मिनट सीधे लेटिए ताकि इनको इधर तक आने में क्या मिले, हेल्प मिले, और उसके बाद आप टर्न कर लीजिए। अगर राइट साइड ओवुलेशन हुआ है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड ओवुलेशन हुआ है तो लेफ्ट साइड। अब जब ये कंसीव हो गया यानी कि फ्यूज हो गया, तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि ये इस बिल्कुल आगे आगे है या थोड़ा सा पीछे है। अगर बहुत आगे है तो इसके स्लिप होने के चांस नीचे जल्दी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे है तो एक आध दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। लेकिन इसका पता आपको बिल्कुल नहीं लग सकता कि ओवुलेशन आगे है या थोड़ा सा पीछे है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये 2-4 दिन तक क्या होता है, डेवलप होता है, इसकी लेयर्स साइज बड़ा होता जाता है, और बड़ा होने के बाद पीछे से जो ट्यूब है वो कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन करती है, जिससे ये आगे की तरफ मूव करता है। अब सपोज ये बिल्कुल ही यहाँ पे आके बैठ चुका, उस समय आपकी पोजीशन क्या है? अगर जो आप सीधे खड़े हैं और ये उसी समय नीचे गिरा है तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा नीचे तक आ जाएगा। और अगर आप लेटे हुए हैं तो इसके बैक साइड पे जाने के चांस ज्यादा होते हैं, और अगर आपने इससे टर्न कर रखा है तो इसके इधर आने के चांस होते हैं, और अगर आपने इधर ही टर्न कर रखा है तो ये इधर आने के चांस होते हैं। अब आपको हम बता दें कि जब ये इस साइड से हुआ है तो इसके चांस या तो बैक साइड पे है या इस साइड पे है, इधर थोड़े कम होंगे क्योंकि लेटते तो केवल आप रात को 8 घंटे के लिए, लेकिन 16 घंटे आप क्या करते हैं, किसी ना किसी पोजीशन में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट अगर वो इधर आया है तो वो यहाँ के एंडोमेट्रियम के अंदर पिट बनाएगा और जुड़ जाएगा, इधर आया है तो यहाँ के एंडोमेट्रियम में पिट बनाएगी, और क्या होगा, धीरे धीरे जब वो पिट बनती है वहां से सेल्स हटती हैं, एक छोटा सा स्पेस बनता है तो आपको ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग क्या होगी, आपको कई बार पता चल भी जाती है और कई बार नहीं भी पता चलती। ये डिपेंड करता है कि वो दिन में हुआ है या कि रात को हुआ है। कई बार जैसे आप यूरिन पास करते हैं तो उसी समय वो ब्लीडिंग भी बाहर चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कम होती है, 1 या 2 स्पॉट्स के बराबर होती है, लेकिन किसी किसी केस में ये थोड़ी सी ज्यादा भी होती है तो उसको पूरा एक दिन या
12-14 घंटे तक उसको ब्लीडिंग ऐसे होगी, एक स्पॉट लग गया, फिर एक दो स्पॉट लग गए, फिर एक दो स्पॉट लग गए, इस तरीके से होगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको ये देखना है कि अगर वो इधर हुआ है तो आपको राइट साइड पे पेन होगा, इस साइड हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड पे पेन होगा, और अगर पीछे की तरफ हुआ है तो थोड़ा सा क्या होगा, बैक साइड पे पेन होगा, और कभी कभी वो आगे की तरफ आ जाता है, जैसे कि ये आपकी यूट्रस है तो इस वाली वॉल पे आ जाता है, तो क्या होता है वो आपको आगे की तरफ पेन ज्यादा होता है। अब ये जितना आगे होता है उतना आपको क्या होता है, पेन की सेंसेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ पे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और ये जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग से डिफरेंट होती है, किसमें, कलर में, क्योंकि जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है वो डार्क कलर की होती है, यानी कि पहले हल्का हल्का ब्राउन आता है फिर वो धीरे धीरे डार्क हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है वो लाइट कलर ही रहता है, डार्क कलर नहीं होता, क्योंकि वो बहुत कम आती है, डाइल्यूट हो जाती है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये क्वांटिटी में ये कम होती है, यानी कि आपको एक ही बार या एक दो बार या 5-6 बार मैक्सिमम हल्की हल्की स्पॉटिंग हो जाएगी 10-12 घंटे में, मैक्सिमम 24 घंटे में। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग है वो तो आप जानते ही हैं कि वो पूरा 3-4 दिन तक उसका फ्लो चलता है, इसका कभी फ्लो नहीं होता कि लगातार फ्लो हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। अब हम आपको ये बताएं कि क्या सब केसेस में ये 4 दिन बाद होता है या 5 दिन बाद होता है या 7 दिन बाद होता है। जनरली क्या होता है ये 7 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन किसी किसी केस में ऐसा नहीं है कि आपको 7 दिन तक पेन नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई तो आप निश्चिंत होके ट्रेवल करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, नहीं, आपको वेट करनी है अपने नेक्स्ट पीरियड साइकिल तक के लिए। क्योंकि कभी कभी ये ब्लीडिंग ऐसा भी देखा गया है कि जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले होते हैं उस समय होती है और केवल एक दो स्पॉट आके रह जाती है, तो इसीलिए आपने पीरियड साइकिल की डेट तक क्या करना है, इसका वेट करना है। और जब ये अगर ब्लीडिंग आपको आ गई 4 दिन में, स्पॉटिंग हो गई या 6 दिन में हो गई, तो फिर आपको और ज्यादा केयर करनी है कि किसी भी तरीके से ये जो आपका कंसेप्शन हुआ है ये खराब नहीं हो। आपने अपने खान पान का ध्यान रखना है, अपने इस चीज का ध्यान रखना है कि ठंडे पानी से एकदम ना नहाओ क्योंकि शिवरिंग होती है एकदम से आपको, और साथ में कोई हैवी एक्सरसाइज या जर्नी या बिल्कुल भूखे पेट, खाली पेट या बहुत ज्यादा पानी या बहुत कम पानी नहीं पीना। और जनरली जिन चीजों को मना किया जाता है कि ये चीजें ना खाएं तो आपने वो चीजें नहीं खानी है। देखिए किसी का कहना मानने में कुछ भी नहीं जाता, तो अगर आप 2-4 दिन थोड़े दिन नॉनवेज नहीं खाएंगे या जो चीजें मना की जाती हैं वो नहीं खाएंगे तो आपका कुछ भी किसने वाला नहीं है। इसी तरीके से अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं लेना। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इम्प्लांटेशन कब होता है, उसका दर्द कब होता है और कहाँ होता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कहाँ जा रहा है। तो आप रट नहीं सकते कि मेरे को ओवुलेशन राइट साइड पे हुआ था तो इसीलिए राइट साइड पे पेन होना, मैं इंतजार करूंगी, नहीं, वो लेफ्ट पे भी हो सकता है, बैक पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन होगा। और दूसरी चीज, अगर आप थोड़े से स्ट्रांग हैं, आपको हल्का फुल्का दर्द महसूस ही नहीं होता, कई बार आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं इस चक्कर में भी आपको पेन फील नहीं होता, तो हो भी सकता आपको पेन फील ना हो, ब्लीडिंग भी ना हो, लेकिन कंसेप्शन हो जाए। तो आई होप कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।